नमस्कार, मैं हूं इस्माइल अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज, जहां हम लेकर आते हैं देश व दुनिया की तमाम अहम व छोटी बड़ी खबरें। लेकिन खबर दिखाने से पहले हम आपसे निवेदन करेंगे, लॉकडाउन का पालन करें, प्रशासन का सहयोग करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। अब एक नजर खबरों की तरफ। गाड़ी मुंडा भारत सेवा ट्रस्ट आरपीएफ और बिहार व आदर्श हॉस्पिटल के तत्वावधान में रक्तदान जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर इंद्रेश जी ने किया। नव भारत सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष राम अवध यादव ने लोगों को रक्तदान से होने वाले फायदे और उससे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, इस पर विस्तार से अपनी राय रखी। नरेश कुमार मीणा जी ने रक्तदान के लिए लोगों को प्रेरित भी किया। जल्द ही नव भारत सेवा ट्रस्ट के तत्वावधान में जल्द ही गाँव में जाकर रक्तदान महादान के फायदे बताएंगे और लोगों को रक्तदान करने के लिए प्रेरित भी करेंगे। लोगों को खाने के बारे में बताया कि क्या खाएं जिससे शरीर में खून बने। चुकंदर, तरबूज, टमाटर, गाजर, बादाम, शलजम, स्ट्रॉबेरी, खजूर, महिलाओं की आदि आबादी है, उनको भी रक्तदान में आगे आना चाहिए। लोगों को प्रोत्साहित करके रक्तदान के लिए मनाया गया। अध्यक्ष रामदेव ने लोगों को बताया कि मैंने पहले भी कई बार रक्तदान किया है, कोई कमजोरी या शारीरिक थकावट नहीं होती है। साथ कृष्णा यादव, शिलाल जी, शशिकांत जी आदि लोग मौजूद रहे। हमारे संवाददाता ब्यूरो गाजीपुर से मोहम्मद इसरार की रिपोर्ट। परेशान रहते हैं, कुछ कुछ तो ऐसे भी लोग रहते हैं जो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता रहते हैं, वो जाकर खून देने के लिए ही आते हैं और खून देके चले जाते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए अगर जो देश का जो नागरिक है, जो भी जितने नागरिक हैं देश में, जितनी जनसंख्या है, अगर उस जनसंख्या की आधी जनसंख्या भी जो लोग स्वस्थ, जो लोग खून दे सकते हैं, खून देने से कोई कमजोरी भी नहीं आती है, बनाए खून देने से किसी तरह से कोई शरीर में आराम नहीं जाता। मैंने कई बार किया, हम लोग स्कूल कॉलेज में रहते हैं, टाइम लगता है तो हम लोग जाके जो है दे देते हैं।